सभी को मेरा राम राम। बहुत ही सही जगह क्लिक किया बच्चों आपने। ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये कुरान लिखा हुआ था, ये आपका सीजल में आया हुआ है, सीजीएल 2019। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे क्या करेंगे, सांस समझिएगा। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। पहला वाला जो मंकी वाला क्वेश्चन है वो तो समझने वाली बात है ना, थोड़ा कंसेप्ट लगाना है, आंसर पाना है। वैसे तो कितना भाई, डायरेक्ट अगर हम देखें ओरली तो इसका आंसर आना चाहिए 25 मिनट, ठीक है, 25 मिनट आना चाहिए, मगर कैसे आना चाहिए, ठीक है, समझिएगा। पहले क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मंकी ट्राइज टू क्लिम, क्लिम का आंसर चढ़ना, एसेंट लिख लो, क्लिम लिख लो, कुछ भी लिख लो, है ना, चढ़ना। एक ए पोल इन 14 मीटर हाई, एक मंकी जो है 14 मीटर हाई के खंभे को क्या करता है, चढ़ता है, ठीक है। ही क्लिम 2 मीटर इन 1 मिनट, वो अगले 2 मीटर कितने मिनट में चढ़ता है भैया, 1 मिनट में। एंड स्लिप डाउन, और क्या होता है बेटा, फिसल जाता है 1 मीटर अगले मिनट में, सेकंड मिनट में, मतलब पहले 2 मीटर चढ़ता है और 1 मीटर क्या होता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। इफ ही कंटिन्यू, और इसी तरीके से चढ़ता रहा तो कितने मिनट में वो पोल के टॉप पे पहुंच जाएगा। जैसे आपने देखा होगा शराबी लोग होते हैं क्या करते हैं, झूम बराबर, है ना भाई, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, तो समझ लो बंदर की भी कहानी यही हो रही है, 2 मीटर ऊपर और 1 मीटर नीचे, 2 मीटर 1 मिनट में, अगले मिनट में 1 मीटर नीचे खिसल जाता वो, ठीक है। इस तरीके से कहानी चलती रहती है आपकी। अब वो जो है कितने टाइम में ऐसा हो जाएगा कि वो ऊपर चढ़ जाए, ठीक है, ये है बात, समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से कैसे करेंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए मैं खंभा बना लूँ, है ना, और 0 से लेकर 14 मीटर तक, कितने मीटर तक है, 14 मीटर तक ले लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, समझाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, बस ये समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है, लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ज़रा ध्यान समझ लो क्या हो रहा है बच्चा, एक मिनट में, पहले मिनट में वो कितने मीटर चढ़ रहा है, 2 मीटर चढ़ रहा है, पहले मीटर में कितना चल रहा है, 2 मीटर चल रहा है, कितना चल रहा है, 2 मीटर चल रहा है। तो होता क्या बच्चा, देखो ध्यान से देखो, अगले मिनट में, सेकंड मिनट में 1 मीटर वो नीचे आ जाता है, तो टोटल हमारे पास कितने मिनट होगा, 2 मिनट, और 2 मिनट में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 1 मीटर, एक, ये जी समझ में आ गई आपको, 3 मिनट होगा, 2 मिनट तो होंगे, अगला सेकंड मिनट है ये, 2 मिनट नहीं है, सेकंड मिनट, देखो पहले मिनट में ऊपर गया, अगले मिनट में नीचे आ गया, ठीक है, वो 2 मिनट नहीं है, शुरू से काउंट नहीं करेंगे उस अगले मिनट, है ना, तो 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ रहा है फाइनली, ये क्लियर हो गया हमारे पास। तो एक बात बताओ, अब आप 14 मिनट, फिर आप ऐसे करोगे भाई, 2 मिनट में 1 मीटर, तो 14 मिनट में कितने मीटर, इस तरीके से कर लोगे, मगर वो गलत हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले आप 12 मीटर को लोगे, 12 मीटर के लिए कितने मिनट लगेंगे भाई, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना भाई, 2 मिनट है ना 1 मीटर के लिए, तो 12 मीटर के लिए 24 मिनट। बट अगले मिनट में क्या होगा, जब वो यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो अगले मिनट में वो यहाँ पहुँच गया, जब ऊपर पहुँच गया तो घिसकेगा क्या, बाबूजी का तुम तो ना कुछ नहीं घिसकेगा वो, ठीक है, तो अगले मिनट में वो क्या हो जाएगा, वो ऊपर पहुंच गया, तो वो नीचे कैसे आएगा भाई, जब वो ऊपर पहुंच गया तो नीचे आएगा नहीं ना, आप हमें तो ऊपर ही पहुंचाना था, तो एक अगले मिनट के लिए, फिर वो कितने मीटर होगा, 4 मीटर, तो कितना होगा टोटल, 55, 25। ये चीज़ समझ में आई नहीं आई, नहीं आई समझ में, दोबारा समझो, मेरे कहने का मतलब ये 12 मीटर तक पहुंच गया वो बंदा, बंदर 24 मिनट लग गए यहाँ तक, कोई दिक्कत, फिर वो कह रहा है कि भैया एक मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, तो जब अगला मिनट आएगा 1 मिनट, तो वो 2 मीटर चढ़ जाएगा ना, तो 14 पे जब वो ऊपर चढ़ी गया तो नीचे कैसे खिसकेगा वो, ऑब्वियसली बात है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, तो ऊपर पहुंच ही गया तो नीचे आएगा ही नहीं, ये कहानी हो गई खत्म। तो कितना हो गया टोटल, 25 मिनट, ठीक है, समझ में आ गई बात पक्का, किसी को डाउट कोई दिक्कत कोई समस्या तो बताओ, ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।